दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी की ओर से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 30 अगस्त 2022 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर फायर सेफ्टी और मैनेजर सिक्योरिटी की। 103 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ से दिखाएंगे। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अगस्त 2022 है। सैलरी ऑफिसर फायर सेफ्टी के लिए 36,000 से 63,840 है। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 48,170 से 69,810 है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 1,003 रुपये है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 59 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन मोड से ही आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग, रिटर्न या ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। pnbindia.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका रिक्रूटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 अगस्त 2022 को ये यहाँ पर नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। पूरी यहाँ पर आपको लिंक दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर फायर सेफ्टी 23 पोस्ट है। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 80 पोस्ट है। इंग्लिश में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस इंग्लिश के लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। लास्ट डेट 30 अगस्त है। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी और वैकेंसीज की लिस्ट दी गई है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो ऑफिसर फायर सेफ्टी के लिए SC के लिए 3 पद, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, UR के लिए 11 है। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए भी SC के लिए 12 है, ST के लिए 6, OBC के लिए 21 है, EWS के लिए यहाँ पर 8 है, UR के लिए भी 33 है। कुल मिलाकर 103 पद है। इसमें 23 यहाँ पर ऑफिसर के लिए है, मैनेजर के लिए 80 पद खाली है। यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को और स्क्रॉल करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। इंडियन सिटीजन, नेशनलिटी या सिटीजनशिप आप चेक कर सकते हो। एज लिमिट पोस्ट वाइज यहाँ पर 21 से 35 वर्ष है। BBTech डिग्री से और साथ साथ ग्रेजुएशन डिग्री से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो कि BBTech आप फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पर सेकेंड पोस्ट है मैनेजर सिक्योरिटी की, इसके लिए बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की, PWBD के लिए 10 साल की, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल की, चिल्ड्रन या फैमिली मेंबर्स के लिए 3 साल की। इसी तरह यहां पर आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। पूरा पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम होगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस देख सकते हो आप अप्लाई करने से पहले, और अप्लाई ऑनलाइन करने के साथ साथ में आपको यहाँ पर फीस पेमेंट की डिटेल
दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और सिंपली आवेदन कर सकते हो। जैसे आप इस पीडीएफ को और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें एड्रेस दिया गया है जिस एड्रेस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो, ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको आवेदन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की अगर बात की जाए तो यहीं पर आप देख सकते हो जो इसका पीएनबी का रिक्रूटमेंट का पैनल है, यहां से आप देख सकते हो इंग्लिश में नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो और हिंदी में भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक है, यहां पर आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। जैसे कि यहां पर मैनेजर सिक्योरिटी इंग्लिश के लिए लिंक पर आप क्लिक करके इसकी यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह ऑफिसर सेफ्टी के लिए देख सकते हो, फायर सेफ्टी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहां पर इंग्लिश के लिंक पर आप क्लिक करके इसका यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप यहां से इस भर्ती के लिए सिंपली ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको यहां पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप यहां से स्टेप बाय स्टेप सभी लिंक चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।